हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज टेक ए पेन एंड ए पेपर एंड नोट डाउन द थिंग्स विच आई टोल्ड यू। क्योंकि आपको पता ही है, अगर हम साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें और कुछ चीज़ समझ रहे हैं और उसको साथ साथ नोट कर रहे हैं तो अपने कंसेप्ट भी क्लियर होते रहते हैं, अपनी कंसंट्रेशन भी अच्छी बनती है और अपने पास अपने नोट्स भी बन जाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं अपना एक नया चैप्टर। वो चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। ये पार्ट है अपनी पेस्ट मैनेजमेंट जो बुक है उसका एक पार्ट है, उसमें एक चैप्टर है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, कि हम इंसेक्ट्स को बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि वैसे तो ये टॉपिक किसी भी जगह आ सकता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, बट फिलहाल हमने जो बीएससी फाइनल ईयर है वो वाली बुक स्टार्ट कर रखी है पेस्ट मैनेजमेंट, और उसमें हम लगभग अपनी पेस्ट मैनेजमेंट वाली पेपर को, पेस्ट मैनेजमेंट वाली बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को विज़िट करके देखना कि वो आपको कैसी लगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं और आप चाहते हैं कि और भी लोग इससे जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चल आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स क्या टॉपिक है? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन की मीनिंग क्या है? इसका क्या मतलब है? सप्रेशन एंड किलिंग ऑफ अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, अदर एनिमल एंड प्लांट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ और आर्टिफिशियल इंक्रीज और इनकरेजमेंट ऑफ नेचुरल एनिमीज, की नेचुरल एनिमीज का इन्वॉल्व करके किसी इंसेक्ट को किल करना, उसको सप्रेस करना जो एनिमल्स और प्लांट को हार्म कर रहा है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, नेचुरली किसी को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, फिर अपना आता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम कह सकते हैं नेचुरल कंट्रोल, क्योंकि हम इसमें नेचुरल एनिमीज का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। फिर अपना आ जाता है कि इसके हम मेन मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इसमें मैन जो है सबसे ज़्यादा रोल उसी का ही होता है, वो इसमें मेन रोल, क्योंकि नेचुरल एनिमीज को किसी जगह पे इंट्रोड्यूस कौन करेगा? एक मैन करेगा। सो मैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में मेन अपने हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो क्या आएंगे? अपने रिक्वायरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, और हम क्या पढ़ेंगे? प्रिकॉशंस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, एंड हम और क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? पहले सबसे पहले हम ये चार चीज़ें लेकर चलेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, प्रिकॉशंस क्या हैं जो हम लेकर चलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल में, और प्रॉब्लम्स क्या हैं जो हम फेस कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, सिग्निफिकेंस क्या हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा। रिक्वायरमेंट में क्या आया कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्ट पैश शुड बी नोन। ये सब छोड़ो, बेसिकली जनरल बात पे आओ कि किसी खेत में कोई इंसेक्ट उस खेत को हार्म कर रहा है तो हमें उस खेत के बारे में क्या पता होना चाहिए कि भी इस खेत में ये इंसेक्ट कौन सा है, इस इंसेक्ट को हम किसकी हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो पार्टिकुलर इंसेक्ट है उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, उसकी पूरी डिटेल हमें पता होनी चाहिए, और किस नेचुरल एनिमी की हेल्प से हम उसको रिमूव कर सकते हैं तो उस नेचुरल एनिमी के बारे में पता होना चाहिए। तो यही बात हो गई रिक्वायरमेंट में, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट शुड बी नोन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड एनिमी शुड बी नोन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, ये हो गई अपनी रिक्वायरमेंट। अब प्रिकॉशंस क्या आ जाएंगी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कि अगर हमें इंसेक्ट जो उसको हार्म कर रहा है उसकी लाइफ साइकिल नहीं पता, और जो इंसेक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल नहीं पता, तब हमें
कैसे हम उसको वो अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रिकॉशंस क्या है कि एक क्वालिफाइड पर्सन जो हैंडल कर सके इन हार्मफुल इंसेक्ट्स को और उन नेचुरल एनिमीज़ को जो वहाँ पे हार्म कर रहे हैं, तो एक उसी को हमें ये सारे काम सौंपने चाहिए। तो अवेयर ऑफ द पार्टिकुलर एनवायरनमेंट कि जो नेचुरल एनिमी जो बायोलॉजिकल एजेंट वहाँ पे डालेंगे कि वो किस एनवायरनमेंट में वर्क करता है, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। एजेंट शुड बी हैंडल आफ्टर कंट्रोल कि इंसेक्ट तो कंट्रोल हो गया, जो नेचुरल एनिमी हमने वहाँ पे डाला उसको बाद में कंट्रोल करना है, ये नहीं है कि कभी वो ही अपनी फसल को ख़राब करने लग जाए। तो एजेंट शुड बी हैंडल्ड आफ्टर कंट्रोल, ये हमें प्रिकॉशंस लेकर चलने हैं अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल में। फिर आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम, हम क्या क्या फेस करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के टाइम। तो प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं कि नैरो रेंज है और फ्यू इंसेक्ट्स हैं, एक छोटी सी रेंज में बहुत थोड़े से इंसेक्ट, उनको कंट्रोल करना। तो अब उसको क्या, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंसेक्ट के लिए पार्टिकुलर एजेंट होगा, तो इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। इनफ टाइम एज स्लो इन एक्शन कि बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है। अब इंसेक्ट क्रॉप को हार्म करता जा रहा है, जब तक नेचुरल एनिमी मिला उसको इंसेक्ट के पास डाला तब तक क्या पता बहुत सारी फसल ख़राब हो जाए। तो इनफ टाइम चाहिए हमें इस एक्शन के लिए, तो इस टाइम अपनी क्रॉप ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। और एग्जोटिक एजेंट्स जो ये नेचुरल एनिमी मतलब एग्जोटिक हम इनको बाहर से लेके आ रहे हैं, इनको एक पार्टिकुलर फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। मे बी अगर वो एनवायरनमेंट नहीं प्रेजेंट हुआ तो वहाँ पे कोई भी फंक्शन ना हो तो यहाँ पे ये रिस्क हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम फेस करते आ रहे हैं। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल का कि इसके फ़ायदे क्या हैं। नॉन टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स कि अपने जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनके ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बायोलॉजिकल कंट्रोल का, क्योंकि कोई नेचुरल एनिमी आया जस्ट इंसेक्ट को किल करके वहाँ से हम उसको हटा देंगे, तो अपने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पेस्ट नेवर बिकम रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। होते हैं ना कि कोई इंसेक्ट है, अगर हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद केमिकल्स से रेजिस्टेंस्ड हो जाते हैं वो इंसेक्ट। तो पेस्ट के ऊपर कोई नेचुरल एनिमी डाल रहे हैं, एनिमी से बताओ कि आप कौन रेजिस्टेंस हो सकता है, तो जो पेस्ट है वो कभी रेजिस्टेंट नहीं होगी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट से। ये परमानेंट इफेक्ट है, केमिकल्स की तरह नहीं है कि एक बार टेम्परली इफेक्ट दिखा दिया, कुछ टाइम के बाद रेजिस्टेंट वेराइटी आ गई और नए नए इंसेक्ट आके फिर से हार्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। और नो साइड इफेक्ट कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, और पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंस नहीं हो सकती और ये परमानेंट इफेक्ट है। तो ये तो हो गए अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल का इंट्रोडक्शन, और इसके जो मेन चार टॉपिक्स हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल एनिमीज कौन कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, और नेचुरल एनिमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नेचुरल एनिमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और एक नेचुरल एनिमी कैसे यूज़ होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में।